तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक नंबर का कि जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल है इस नंबर के लिए, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमें एक नंबर दिया होगा, नंबर इक्वल टू मान लेते हैं अभी के लिए 24 दिया है, और एक बनाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट ये होगा एक एरे, क्योंकि मल्टीपल्स प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल है किसी भी एक नंबर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप WHILE, व्हाइल। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये मतलब लूप तब तक चलने वाला है जब तक ये 2 से बड़ा या बराबर ना हो जाए। ये लूप तब तक चलने वाला है जब तक ये नंबर नम जो है वो 2 से बड़ा ना हो और बराबर ना हो जाए। हम मैं अपना सर्वर बंद कर देता हूँ, ये लूप इनफाइनाइट टाइम चल जाता है। ठीक है, अब हम लूप के अंदर कंडीशन क्या लगने वाला है वो देखते हैं। कंडीशन सबसे पहले देखेंगे नम जो है वो डिवाइड हो जाए मॉड, और हम यहाँ पे बना लेते हैं एक डिविडेंड, फिर डिवाइजर या फिर ड्यू लिख देते हैं, जिससे हम डिवाइड करके चेक करने वाले हैं कि क्या वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे ड्यू से चेक करेंगे। ओके, फिर इसके अंदर देखेंगे अगर ये डिवाइड हो पा रहा है मॉड, अगर इसका 0 आ रहा है, अगर ये परफेक्टली ये नंबर डिवाइड कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि रिजल्ट में पुश कर देंगे इस डिव को। ओके, और अगर डिवाइड हो पा रहा है तो हम ये करेंगे नम मॉड इक्वल्स मतलब स्लैश डिवाइड कर देंगे किससे, डिव से। अभी नंबर कम हो गया होगा फिर करेंगे एल्स, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो हम बस डिव को +1 कर देंगे, एक बार बढ़ा देंगे। फिर हम लॉग कराएंगे, लॉग रिजल्ट हम देखते हैं, फिर हम देख पाएंगे हमारे रिजल्ट में जितने भी पॉसिबल 24 के लिए प्राइम फैक्टर होंगे सारे मिल जाएंगे हमें। आउटपुट करते हैं, तो जिसको हम देखते हैं, हमने अपना सर्वर स्टॉप करने में थोड़ा टाइम लगा था, वो इनफाइनाइट लूप चल चुका है। कोई नहीं, हम दूसरे टाइम में लोकल होस्ट खोलते हैं और कंसोल पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एरे मिल चुका है 2 2 2 एंड 3, मतलब 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। मतलब क्लियर करने के लिए डीबगर मोड में चला लेते हैं एक बार, ताकि पता चल जाए कि कोड में एग्जैक्टली हो गया है। तो अभी के लिए नम की वैल्यू 24 है, हम आगे बढ़ाएंगे इस कंडीशन पे आएंगे। ये कंडीशन देखिएगा क्या, नम जो 2 से, अभी ट्यूब में 2 पड़ा है, हम इसके लिए 1 नहीं करते क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो पाते हैं, इसलिए हमें 2 रखा है। ठीक है, तो अगर ये 2 से डिवाइड हो पाएगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, 24 2 से डिवाइड हो पाएगा, हम चेक करा देंगे डिव को, मतलब हमारे रिजल्ट में भी 2 आ जाएगा और नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 12 हो जाएगा, नंबर हो गया 12। फिर से इस कंडीशन में आएगा और वो देखेगा क्या 12 है और 2 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा, फिर से पुश कर देगा 2 को, मतलब अभी हमारे 2 एरे में 2 2 आ गए और नम को फिर से 2 से डिवाइड होगा तो नम जो है 6 हो जाएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से वो 2 से डिवाइड होगा और इस बार 3 हो जाएगा नम में। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि इफ वाली कंडीशन फेल होगी, क्योंकि 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, डिव को बढ़ा देंगे इसे, और एक से बढ़ाएंगे 2 से ये 3 हो गया, डिव भी 3, नम भी 3, फिर से ये कंडीशन 2 हो जाएगी इफ वाली और हम आगे बढ़ेंगे तो डिव अंदर फिर से जाएगा, ये रिजल्ट को पुश कर देगा, नम को फिर से डिवाइड करेगा, नम अभी 1 हो चुका है और ये हमारा लूप तब तक ही चलने वाला था जब तक ये 2 या 2 से बराबर हो, तब तक बड़ा हो, 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो। अभी ये 1 जो छोटा हो गया 2 से, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा और रिजल्ट में हमें इतने सारे 4 एलिमेंट्स मिल गए। हम इस डिबगर को पास करते हैं और आउटपुट में देख सकते हैं कि ऐसा करके हम पूरे के पूरे जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हैं एक नंबर के लिए वो गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।